हेलो फ्रेंड, राधा रानी होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल और उड़द दाल के फरे, जिसको बहुत लोग भकोसा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको फरे बोलते हैं। ये हमारे यहाँ करवा चौथ पर ज़रूर बनाया जाता है। करवा चौथ पर इसी को खाया जाता है और कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती है। चलिए बनाते हैं। ले लिए हैं हम 1.5 कटोरी उड़द दाल, जिसको भिगोकर और धुलकर उसका छिलका निकाल दिए हैं। इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दें या ओवर नाइट भी भिगो सकते हैं। अब एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें इसको डालकर और दरदरा पीस लेंगे। ये फरे बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, तो इसको आप ज़रूर बनाकर देखिए, आपको ये अच्छा लगेगा। ये देखिए, इसको ऐसे दरदरा पीस लें। और फ्रेंड, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, दाल पीस कर तैयार हो गई है। बहुत लोग इसमें धनिया, मिर्ची, अदरक डालते हैं, बट हमारे यहाँ इसे व्रत में खाना है तो हम सिंपल ही बनाएंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसका आटा तैयार करेंगे। आपको जितना आटा लेना हो उसी कटोरी से, कढ़ाई में 2 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो उसमें 2 कटोरी पानी डाल रहे हैं। अब उसी कटोरी से इसमें 2 कटोरी आटा डाल देंगे। और डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आटा बनाने पर ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर, इसे कोई भी रेसिपी बनती है तो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो आप इसका आटा ऐसे ही बनाएं, डायरेक्ट पानी से ना गूंथें। इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे। पानी इसमें अच्छे से मिल जाए। अभी एक प्लेट में, थाली में इसको हम निकाल लेंगे। सारे मिक्स, अब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसको अच्छे से गूंथ लें। आटा अच्छे से गूंथें ताकि अच्छे से इसका जो मुझे बनाना है वो तैयार हो। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। ये छोटी छोटी टिक्कियाँ हाथ से भी बनती हैं, आप हाथ से भी बनाकर बनाएं। अब इसको ढक कर थोड़ी देर रख देंगे। अब जो दाल है उसका आधा भाग निकाल लेंगे एक प्लेट में, उसमें नमक डालेंगे और हींग डालेंगे। ये उड़द की दाल है इसलिए हींग अच्छे से डाल दें इसमें। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसमें कुछ नहीं डालते इस समय हम डाल रहे हैं, लेकिन आप इसमें अदरक लहसुन नहीं, अदरक मिर्ची और धनिया डाल सकते हैं, या जीरा पाउडर, जो भी आप डालना चाहें। अब इसको एक बार फिर अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंथकर अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लें। बहुत तो इसको हार्ड नहीं रखेंगे, नहीं तो हम इससे जो है वो रोटियां बेलते नहीं बनेंगी। तो इसको अच्छे से गूंथें। अब एक लोई तोड़ लेंगे पेड़ा बनाकर और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अगर आप अच्छे से आटा गूंथते रहेंगे तो इससे रोटियां बेलते अच्छे से बन जाएंगे। अब आपके पास कटर हो या कोई भी किसी भी बॉटल का ढक्कन हो या कुछ भी हो
जिससे आप इसको गोल आकार में काट सकें। उसको लेकर उसको बेल लें अच्छे से, बहुत ना ही मोटा रहे और ना ही बहुत पतला। अब इससे इसको कट कर लेंगे। मैं थोड़ा आटा लगा लें ताकि ये चिपके नहीं। इसी तरह सारा बनाकर तैयार कर लें। ये बहुत ही जल्दी बनता है और लेकिन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ये देखिए ऐसे बना लें, छोटे छोटे बड़े आप जैसा चाहें बना सकते हैं। अब एक मेरे पास इस तरह है, आप स्टीमर कोई भी ले सकते हैं। उसमें ऐसे हल्का थोड़ा सा दाल लेंगे और इसको बीच से हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको ऐसे रखते जाएंगे। जिस तरफ दाल है उसको नीचे की तरफ करेंगे ताकि ये अच्छे से पके, क्योंकि इसको हम भाप में पकाएंगे। ऐसे इसको रखते जाएंगे। इसी तरह बनाते हुए चारों तरफ से रखते जाएंगे ताकि इसमें भाप अच्छे से लगे। ये बीच से ऐसे प्रेस करना है बस, ज़्यादा तेज़ प्रेस नहीं करें नहीं तो ये चिपटे बन जाते। अब ऐसे ये बन गया फूल की तरह। अब एक भगोने में पानी गर्म करने के लिए रख दिए हैं। वे पानी गर्म हो जाए उसके ऊपर इसको रखते हैं। और ढक दें। ये 5 से 6 मिनट में पक जाता है। अब इसको हम निकाल कर देख लेंगे। जब इसकी दाल जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए, समझिए ये पक गया है। अब इसको हम सर्व कर रहे हैं घी से। ये घी से बहुत अच्छा लगता है। आप इसको आलू गोभी की सब्ज़ी से भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए। और अगर आप इसको फ्राई करके खाना चाहते हैं तो इसमें जीरा मिर्ची धनिया डालकर तेल या घी में और इसको फ्राई करके ऐसे भी खा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय।